तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जियो ने अपना रेट कर दिया महंगा। जो भी प्लान्स थे उनमें हो गया इंक्रीज़, सभी दामों में हुआ इंक्रीज़। कौन से प्लान अब कितने में मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी विस्तार से। लेकिन ये चीज़ पहले से मुझे डाउट था जब इन्होंने 5G लेके आया था। ये मुझे शक था कि ये एक ना एक दिन प्लान को जल्द ही जल्द कुछ दिनों में ही महंगा करने वाले हैं। लेकिन फाइनली आज मैं अपने व्हाट्सअप यूज़ कर रहा था और एक ग्रुप में मुझे ये प्लान मिला, उसके मैं चेक किया वाकई में ये रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जो नया लिस्ट है कौन सा दाम में क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ आपको मिलेगा, पहले क्या कितने मिलता था, वो प्लान अब कितने मिलेगा, सारी चीज़ मैं डिटेल में बात करूँगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट बॉक्स में बता दे आप किस सिटी से हैं ताकि मुझे पता चल पाए आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो हमें आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको जियो ने अपनी जो नए प्लान लेके आ चुका है। तो पहला लाइन यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम है उसमें आपको पुराना लिस्ट में पुराना दाम दिखेगा और सेकेंड जो लाइन है जो नया लिस्ट लेके आई है मतलब जो पे बढ़ने वाली है वो चीज आ चुकी है और इसमें क्या मिलने वाली है वो भी मैं बता दूं। जो रेट में आपको जो चीज मिल रहा था वही आपको मिलेगा, लेकिन बस रेट बढ़ोतरी हुई और बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है। जो जिस पैसे में जितना मिल रहा था डेटा पर डे था या फिर वन टाइम था वो चीज वैसे ही है, बाकी डेज भी सेम है, बस आपको MRP में इंक्रीज कर दिया गया। जो भी रेट में आपको रिचार्ज होता था वो महंगी हो गई है। यानी मैं बात करूँ 155 की जिसमें आपको 2GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए और यहाँ पे 189 में वो चीज मिलेगी, यानी 2GB वन टाइम मिलता था, ध्यान रखिएगा पर डे नहीं है। जिसमें पर डे उसमें मैं डेली चेक पर डे में बोल दूंगा, आप उसके बाद लिस्ट में भी लिखा हुआ आप देख सकते हो ध्यान से, तो एक चीज आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ 209 में आपको 1GB डाटा पर डे मिलता था जो कि 28 दिन के लिए था, वो प्लान आपको अभी मिलेगा ₹249 का। और नेक्स्ट प्लान की बात करें जो 239 जो सबसे पॉपुलर प्लान है दोस्तों, सबसे अधिक इस प्लान को बेचा जाता था, कस्टमर इसको खरीदते थे और वो प्लान आपको एक 1.5GB पर डे का मिलता था जो कि 28 दिन के लिए, वो प्लान आपको 299 का मिलेगा, 299 का मिलेगा 239 वाला। और 299 में जो मिलता था 2GB डाटा प्लान पर डे का और 28 दिन के लिए होता था वो आपको प्लान अभी ₹349 का मिलेगा। नेक्स्ट प्लान की बात करें 349 का जो प्लान मिलता था उसको मिलेगा आपको ₹399, यानी 349 से 399 हो चुका है, जिसमें आपको 2.5GB पर डे मिलता था जो कि 28 दिन के लिए। और अभी 399 का जो प्लान आपको 3GB पर डे का मिलता था 28 दिन के लिए, वो वाला प्लान आपको 449 हो चुका है। नेक्स्ट प्लान की बात करें ₹479 का जो प्लान मिलता था जिसमें आपको 1.5GB डाटा पर डे मिलता था जो कि 56 दिनों के लिए होता था, वो प्लान आपको ₹579 में अब मिलेगा। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं 533 का जो प्लान था जिसमें आपको 2GB डाटा पर डे मिलता था 56 दिन के लिए, वो वाला प्लान आपको ₹629 मिलेगा। 395 वाला जो प्लान था जिसमें आपको 6GB वन टाइम मिलता था, 84 डेज की वैलिडिटी होती थी, वो प्लान आपको ₹479 में अब मिलेगा। 666 का प्लान जो भी पॉपुलर प्लान था जो 84 डेज के लिए होता था 1.5GB पर डे मिलता था, वो प्लान आपको अब ₹799 मिलेंगे। और आपको नेक्स्ट प्लान की बात करें 719 का प्लान जो 84 डेज के लिए होता था जिसमें आपको 2GB डेटा पर डे मिलता था, वो प्लान आपको अब ₹859 हो चुका है। 999 का प्लान जिसमें आपको 84 डेज मिलता था 3GB डाटा पर डे, उस प्लान का दाम अभी ₹1199 हो चुका है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्लान की बात करूँ 1559 का जो प्लान दोस्तों जिसमें आपको 336 दिन के लिए 24GB डाटा यानी वन टाइम 24GB डाटा मिलता था लेकिन 336 दिन कॉलिंग फ्री जाती थी, वो अभी प्लान अभी ₹1899 का हो चुका है दोस्तों। यानी कहाँ 1559 कहाँ 1800 यानी ₹1900 सीधे यहाँ पे मतलब बात करें ₹200-300 की यहाँ पे बढ़ोतरी हो चुकी है, ₹300 की बढ़ोतरी हो चुकी है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 1 साल की प्लान जो भी बहुत ही पॉपुलर प्लान था, ₹2999 में आपको 2.5GB डाटा पर डे का मिलता था जिसकी वैलिडिटी होती थी 365 दिन, वो प्लान आपको 3599 यानी ₹3600 दोस्तों हो चुका है, यानी ₹3000 से ₹3600 हो चुका है। जो भी लोग 1 साल का प्लान लेते थे भाई वो 3000 की बजाय अब ₹3600 उनको पेमेंट करनी होगी। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे अपने एक दिमाग देना चाहूँगा कि अगर आप इस प्लान को लेते हो अभी भी ख़त्म होने वाला चाहे 1-2 महीने बचे हैं तो आप एडवांस प्लान भी ले सकते हो जिसमें आपको इसी अमाउंट में आपको मिल जाएगा, यानी 2999 का देना पड़ेगा जिसमें आपको फिर से 365 दिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं अगर इस रिचार्ज को आप करते हैं ₹600 की आपकी बचत होगी, ये ₹600 में आप कुछ ना कुछ अलग से इंजॉय ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हो। और जो लोग 349 का प्लान लेते थे वो लोग अभी अगर करेंगे रिचार्ज कल या परसों में तो ₹299 हो जाएगा, अगर और चाहें तो एडवांस रिचार्ज वो भी लोग ले सकते हैं, यानी आपको जो दाम में अभी आप खरीदेंगे प्लान उसी प्लान में आपको वही बेनिफिट्स मिलेगा,
कोई इशू नहीं है, क्योंकि जियो में आप अपकमिंग प्लान आता है, सिस्टम आता है जिसमें आप एडवांस रिचार्ज अब कर सकते हो, एक से ज़्यादा मल्टीपल रिचार्ज भी अब कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब चाहे 239 का 3, 4, 5 प्लान भी एक साथ अब कर सकते हो, आपका स्टेप बाय स्टेप जैसे रिचार्ज खत्म होगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एडवांस रिचार्ज आप कर सकते हो, जो कि आपको माई जियो ऐप में जाके आपको एक माई प्लान ऑप्शन आता है, उसके बगल में जियो मतलब अपकमिंग प्लान एक सेक्शन आएगा जहाँ पे आप सारे प्लान्स को देख सकेंगे कि कौन सा प्लान आपके पास एडवांस में बचा हुआ है। ये चीज़ें हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अगर जियो ने अपनी प्लान को बढ़ा दिया है तो बाकी कंपनियाँ जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ चाहे वी हुआ चाहे एयरटेल हुआ, ये लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, ये लोग भी अपनी जो प्लान है क्रिएट कर रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे कि नया प्लान लेके कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए। क्योंकि दोस्तों एक कंपनी जब आगे बढ़ी है मतलब उनके अपना रेट बढ़ाए हैं तो दूसरी कंपनी भी पीछे नहीं होगा, सारी कंपनियों को अपनी रेट बढ़ानी होती है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप जिस भी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करते हो तो आप अगर एडवांस रिचार्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये चीज़ें एयरटेल में भी है, भी में भी है अपकमिंग प्लान का, तो उसमें लेकिन एक से ज़्यादा रिचार्ज मत करिएगा, एक ही का करना चाहते हो तो लॉन्ग कर लीजिएगा चाहे एक ही करिएगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा शायद नहीं होता है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन जियो में मल्टीपल होती है, क्योंकि मैं खुद ट्राई किया हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। अपकमिंग प्लान में 2, 3, 4 रिचार्ज आप एडवांस में कर सकते हो, आपका स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट होता रहेगा और आपका वर्क करता रहेगा सेम प्राइस में, सेम जो भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्म पता चल जाए, जानकारी पता चल, ताकि वो ऐसा कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से अगर कुछ एडवांस रिचार्ज करते हो कुछ पैसों की आप बचत कर सकते हो। बस मेरा काम था इन्फॉर्म करना, मैं बता दिया। तो आपको वीडियो जो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।